मैं हूं सानिया अजीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अपनी 8 टीमों को तैयार कर एक 2 महीने की बच्ची को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक इस बच्ची को 24 अक्टूबर की रात को आरोपी ने चुरा लिया था, जिसके बाद इसकी मां ने पुलिस में खबर की थी। मुंबई पुलिस की 8 टीमों के साथ साथ रेल प्रशासन ने भी इस बच्ची को ढूंढने में मदद की है। इस बच्ची को चुरा ले जाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। पुलिस को ये बच्ची डोंगरी में मिली थी। इस मामले की जानकारी पुलिस कमिश्नर विवेक फलसारकर ने दी है। तारीख 26 अक्टूबर के मध्यरात्र के आसपास एलटी मार्ग सेंट जेवियर्स कॉलेज के ऑपोजिट एक शौचालय है, वहाँ एक फुटपाथ पर एक फैमिली रहती, उनके 3 बच्चे, छोटे बच्चे, उसमें सबसे छोटी 71 दिन की अनीशा थी। वो अचानक, उनकी माँ जो है मनीषा, उनको समझ में आया कि गायब है। उन्होंने थोड़ी आसपास ढूंढने का प्रयास करने के बाद आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन को सवेरे वो आए 10:30 बजे। तुरंत हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स ने DCP और एडिशनल CP ACP को बताया। एडिशनल CP साउथ रीजन श्री दिलीप सावंत ने मुझसे बात भी की और उन्होंने कहा कि 8 टीम 9 टीम वो बना रहे हैं। सभी पुलिस स्टेशन जो है इसमें, इस सर्च ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और कल शाम को अंदाजन 7 बजे हमारे डोंगरी के टीम को शबाना शेख, जहां पर सीनियर किया है SI पटेल को, तो दे वर एबल टू रीच फर्स्ट। वो पहले पहुंचे और उन्होंने बच्चे को अपनी हिरासत में लिया। जो आरोपी है उसको भी हिरासत में लिया। अभी माँ बाप को उनके बताया, कल दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन अपनी दिवाली छोड़ के इनकी दिवाली हम उनके लिए वापस ला सके, इसलिए हमें बहुत आनंद है।